नमस्कार, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल न्यूज 11 टीवी में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुशवाहा। अब बढ़ते हैं खबर की ओर। मोहब्बत इंसान को कब हैवान बना दे इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ऐसा ही कुछ चित्रकूट नगरी में एक पत्नी की मोहब्बत पति से बढ़कर प्रेमी से ऐसी परवान चढ़ी कि वह सात फेरों की साक्षी होते हुए भी दो एक प्रेमी हो तो और, लेकिन दो प्रेमियों से प्यार कर बैठी। आप देख रहे हैं पूरी कवरेज दिनेश सिंह कुशवाहा के साथ। एक लड़की के दो प्रेमी, फिर खूनी संघर्ष, गमछे से गला दबाकर हत्या, शव बोरे में भरकर दफनाया, डेढ़ महीने बाद मिली दफनाई हुई लाश, जाने सनसनीखेज मामला। एक पति और दो प्रेमी। एक विवाहिता ने अपने एक प्रेमी के साथ मिलकर दूसरे प्रेमी की हत्या का पूरा षड्यंत्र रच डाला या उसमें शामिल रही। इस केस में पुलिस पर डेढ़ महीने तक लापरवाही के आरोप हैं और लाश भी करीब इतनी ही पुरानी मिली है। जानिए यह सनसनीखेज मामला। यूपी के चित्रकूट जिले में एक विवाहिता से प्रेम प्रसंग के चक्कर में दो प्रेमियों के बीच खूनी संग्राम हुआ। विवाहित को पाने के चक्कर में एक संगी प्रेमी ने दूसरे प्रेमी का गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपियों ने शव को दफना दिया था, जिसे पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर बरामद कर लिया है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने मामले में लापरवाही बरतने वाले दारोगा राधेश्याम को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और तत्कालीन थानाध्यक्ष के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के बरवारा गाँव का है। बीती 3 जनवरी को निखिल पटेल नाम का युवक घर से लापता हो गया था। परिजन काफी ढूंढने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उसका कहीं सुराग नहीं लगा। 8 जनवरी को पीड़ित परिजनों ने करवी कोतवाली में तहरीर देकर युवक की गुमशुदगी दर्ज कराई। हत्याकांड को कैसे दिया गया अंजाम, पूरे मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला ने बताया कि पुलिस ने जब कमल उपाध्याय और सनी नाम के युवक को हिरासत में लिया तो पता चला कि मृतक निखिल का गाँव की रहने वाली एक युवती से अफेयर था। उसी युवती से आरोपी कमल उपाध्याय का भी प्रेम प्रसंग चल रहा था। युवती ने दूसरे प्रेमी कमल के साथ मिलकर साजिश की। पहले प्रेमी निखिल को बुलाया और तब कमल ने अपने दोस्त सनी के साथ मिलकर निखिल का गला घोंट दिया। हत्यारों ने वारदात के बाद निखिल के शव को गांव की नहर किनारे दफना दिया। युवक का शव मिलने के बाद परिजनों ने कोहराम मचा दिया। पीड़ित परिजनों का आरोप है कि पुलिस डेढ़ महीने तक मामले को लेकर लापरवाही बरतती रही, सिर्फ खानापूर्ति की जाती रही। इन आरोपों के चलते पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला ने इंचार्ज सब इंस्पेक्टर राधेश्याम को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया और तत्कालीन थानाध्यक्ष के खिलाफ विभागीय जांच के भी आदेश दिए। शुक्ला ने यह भी बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से और भी कारणों का खुलासा हो सकता है। पूरे मामले में प्रेमिका विवाहिता की भी संलिप्तता पाई गई है। शुक्ला का कहना है कि उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। बरवारा में एक घटना हुई है, युवक की लाश मिली हुई है, क्या है पूरा मामला? जी, एक बहुत दुखद घटना आज बरवारा गांव में घटी है। एक 22 वर्ष के युवक जिनका नाम निखिल था और जो इसी गांव के निवासी थे, वो 3 जनवरी को लापता हो गए थे एवं उनके परिवार द्वारा बहुत देर के बाद 8 फरवरी को गुमशुदगी थाने में दर्ज कराई गई कोतवाली करवी में, और इसमें पहले ढूंढने का प्रयास किया गया पर उसमें सफलता ना प्राप्त करने पर इस गुमशुदगी को मुकदमे में तरमीम किया गया और 21 फरवरी को इसमें 364 IPC के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था और तुरंत टीम गठित कर दी गई थी कि जल्द से जल्द युवक की तलाश की जा सके। उसी क्रम में आज ये पाया गया कि इनकी हत्या 3 जनवरी को जिस दिन ये लापता हुए थे उसी दिन कर दी गई थी और जो प्रथम दृष्टया अभियुक्त निकल के आए हैं वो एक हैं कमल उपाध्याय जो उसी गांव के निवासी हैं और एक युवती का भी इसमें रोल निकल के आया है और इसमें प्रथम दृष्टया प्रेम प्रसंग को लेके विवाद होना पाया गया है क्योंकि दोनों ही जो युवक थे उनका कुछ प्रेम प्रसंग था युवती के साथ, जिसके चलते रंजिश के तहत कमल उपाध्याय एवं युवती एवं उनके कुछ अन्य सहायकों द्वारा इनका गला घोट के हत्या कर दी गई, जिसकी पुष्टि अभी बाद में पोस्टमार्टम में होगी एवं इन्होंने जो लाश है वो बरवारा गांव के पास एक नहर के पास दबा दी गई थी। तो आज हमने बॉडी को एक्ज्यूम कराया है और वो पा ली गई है, उसको मॉर्चरी भेज दिया गया है पोस्टमार्टम।
विक्टिम के लिए। जो मेन अभियुक्त हैं उनको भी पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया गया है और सभी अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मैम सब जो प्रेमिका है वो भी विवाहिता है जी, अभी इन सब चीज़ों की, इन तथ्यों की पुष्टि की जा रही है एवं पुलिस की टीम चली गई है युवती को भी अपने हिरासत में लेने के लिए। जिसने मर्डर किया है और जिसका मर्डर हुआ है जी, ये दोनों का उसी महिला से ही प्रेम का जी, प्रथम दृश्य यही बताया जा रहा है, आगे विवेचना में बातें और स्पष्ट हो जाएंगी। किसी तरह की कोई अपने डिपार्टमेंट पे कोई कार्रवाई की गई जी? पहले तो परिवार ने बहुत लेट गुमशुदगी दर्ज कराई, 8 फरवरी को गुमशुदगी दर्ज हुई लगभग एक माह के लापता होने के बाद, लेकिन उसके बाद जो तत्कालीन थाना अध्यक्ष थे एवं जिन उपनिरीक्षक राधेश्याम जिनको ये गुमशुदगी जांच के लिए सुपुर्द हुई थी, उनके पार्ट पे भी थोड़ी सी लापरवाही प्रतीत होती है कि उन्होंने समयबद्ध रूप से उचित विधिक कार्रवाई नहीं की और FIR में तरमीम करने में लंबा समय लग गया, तो इसी के संबंध में दोनों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई का आदेश पारित कर दिया गया है। हमारी इसी प्रकार की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले खबर देखने के लिए नोटिफिकेशन को ऑन करें। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर हाजिर होते हैं कुछ खास खबरों के साथ।